Hello everyone, so welcome back to another edition of the essay series which was started for the MP Judiciary mains paper. तो आप सब लोग जानते हैं कि मेन्स पेपर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट essay paper which is asked in your mains exam. तो there are certain topics which are very hot topics जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर. तो वन ऑफ देम इज़ रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी. तो इसके ऊपर हम आज थोड़ी बात करेंगे कि कैसे कैसे इफ़ यू गेट दिस टॉपिक इन योर मेन्स एग्जाम तो कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या आप लिख सकते हैं. रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी. तो हम सब जानते हैं कि मीडिया प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल व्हेन इट कम्स टू अ डेमोक्रेसी. कैसे आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, कैसे आप थॉट प्रोसेस को मोल्ड कर सकते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग विच आर होन्ड बाय द मीडिया फॉर गुड और इवन फॉर बैड पर्पसेस वी कैन से. तो कैसे कैसे होता है इस लेक्चर में, क्या क्या हमारे को इंक्लूड करना है, क्या क्या बातें करनी हैं, दिस इज़ समथिंग विच विल बी डिस्कसिंग नाउ. पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड. सबसे पहले कि जब हम एसे स्टार्ट करते हैं या एसे लिखना शुरू करते हैं तो देर आर सर्टन टॉपिक्स, एक फ्रेमवर्क होता है कि वी हैव टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स. कैसे कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे वो चीज़ है क्या. सेकेंडली उसके बारे में बताएंगे उसके इम्प्लीकेशन वो इंपॉर्टेंट क्यों है. थर्डली जो हमारा होता है हम उसके सब्सटेंस पे आएंगे, जो मेन क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जो मेन सब्सटेंस है आपका कि रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी जो टॉपिक है उसके ऊपर फिर हमारा पूरा डिस्कशन होगा. एंड फोर्थली सजेशंस, प्रॉब्लम्स एंड कंक्लूजन्स जो भी हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, ये चार चीज़ें आपको दिखानी है, लिखनी ही लिखनी है. तो कमिंग टू दिस टॉपिक, पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज़ मीडिया. मीडिया है क्या, सबको पता है मीडिया है क्या, बट लिखने पे आओगे तो लिख नहीं पाओगे. चांसेस है कई लोग लिख भी देंगे, बट उसको कैसे अप्रोच करना है दैट इज़ व्हाट विल बी सीइंग इन दिस लेक्चर. सेकंडली व्हाई इज़ मीडिया इंपॉर्टेंट. अब मीडिया पता लग गया कि है क्या, अब सेकंडली कि मीडिया इंपॉर्टेंट क्यों है. थर्डली उसका रोल क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, किस चीज़ के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर. और फोर्थली प्रॉब्लम्स के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोपेगेंडा मॉडल. इट वॉज गिवन बाई नोआम चॉम्स्की who was an American linguist and American jurist. और उन्होंने अपनी बुक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के अंदर दिया है कि मीडिया कैसे जो है वो न्यूज़ एक फिल्टर्ड वे में प्रोड्यूस करती है. तो ये सब चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स में आएगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. तो दीज आर द फोर थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर. मूविंग फॉरवर्ड, वॉट इज़ मीडिया. सबसे पहले बताएंगे मीडिया क्या है. अब मीडिया, द टर्म मीडिया इज़ प्लूरल ऑफ मीडियम, रेफर्स टू कम्युनिकेशन चैनल्स. तो बेसिकली इट्स कम्युनिकेशन चैनल्स, दो बंदों के बीच में, दो इंसानों के बीच में जो बातें हो रही हैं वो किस 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 चीज़ के थ्रू होंगी, दैट इज़ मीडिया. चैनल्स थ्रू विच वी डिसमिनेट न्यूज़, म्यूज़िक, मूवीज, एडुकेशन, प्रमोशनल मैसेजेस एंड अदर डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन. हम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कैसे कर रहे हैं लोगों के बीच में, आपस में कैसे हम इंफॉर्मेशन का जो बोलेंगे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, दैट इज़ थ्रू मीडिया. हम लार्जर मासेस के अंदर किसी चीज़ को फैलाना चाहते हैं तो वो किससे करेंगे, मीडिया की हेल्प से करेंगे. इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो, बिलबोर्ड्स, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स एंड बिलबोर्ड्स. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी, इनको बोलेंगे टूल्स हैं मीडिया डिसेमिनेशन के. क्या क्या हैं, मैगजीन्स, न्यूज़ आएगी मैगजीन में छपेगी, टेलीविज़न उनको ब्रॉडकास्ट करेगा चैनल्स के थ्रू, रेडियो, टेलीफोन के थ्रू भी, इंटरनेट. तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी टूल्स है कि मीडिया डिसेमिनेट कैसे होगा. सेकेंडली व्हेन टॉकिंग अबाउट रीचिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वी से मास मीडिया. अब मास मीडिया की भी बात करें, व्हाट इज़ मास मीडिया. मास मीडिया कुछ नहीं है, लोकल और मास मीडिया के बीच में डिफरेंस ये है कि लोकल मीडिया इज़ समथिंग विच इज़ बींग सर्कुलेट. फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लोकल मीडिया. या कोई चैनल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे रीजनल चैनल्स हैं, ठीक है, सन टीवी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अपने स्टेट्स के अलग अलग चैनल्स हैं, तो दोज आर लोकल टू दैट स्टेट, तो दैट इज़ लोकल मीडिया. एंड वेन वी कम टू मास मीडिया, मास मीडिया इज समथिंग जो बहुत ही वाइड स्प्रेड तरीके से अपने न्यूज़ को या अपनी इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अपने चैनल्स हैं, तो दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया. मीडिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अगेन टू मेन कैटेगरीज, ब्रॉडकास्ट एंड प्रिंट.
अब दो तरीके के हो सकते हैं, ऑब्वियसली इजी सी बात है, बट ये लिखने लगोगे तो यू माइट नॉट बी एबल टू राइट इट, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, दिमाग में नहीं आता. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि आप उसको टेलीकास्ट कर रहे हो, ठीक है, या टेलीविजन के थ्रू कर रहे हो, रेडियो के थ्रू, AIR रेडियो जो होता है, रात को न्यूज़ सुनते ही होंगे आप सब लोग, तो दैट इज़ ब्रॉडकास्ट. प्रिंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स. आजकल इंटरनेट आप सब लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, एवरी थिंग इज़ बींग डिसमिनेटेड थ्रू द इंटरनेट. ये जो लेक्चर आप देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो थ्रू यूट्यूब, दैट इज़ अगेन मीडिया. इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो. इंटरनेट इज़ ऑल्सो इमर्ज एज अ मेजर प्लेयर एज अ रैपिडली ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल ग्लोबली गेट देयर न्यूज़ मूवीज एट्सेट्रा ऑनलाइन. सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर. वाई इज़ मीडिया इम्पॉर्टेंट, सेकेंड जो आपका आता है ऐसे का पार्ट, उसमें क्या लिखेंगे आप कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या है. तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है मीडिया को, कि उन्होंने बोला है, थॉमस कार्लाइल ने बोला है कि मीडिया आपकी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है. मीडिया नॉर्मली डेमोक्रेसी के अंदर थ्री पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, स्टेट और जुडिशरी, ठीक है, बट फोर्थ पिलर क्या है आपका, प्रेस यानी कि मीडिया. द मेरिट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज दैट इट गिव्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पेस इज गिवन टू ईच इंडिविजुअल. डेमोक्रेटिक सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, मेन एडवांटेज क्या है, कि इट गिव्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. हर बंदे के पास अपनी वोटिंग पावर है, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है वो. स्पेस मिलती है हर एक बंदे को कि कैसे वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाए. अब एक्सप्रेस करेगा तो ऑब्वियसली देर विल बी ए नीड कि वो अपने व्यूज़ को डिसमिनेट कैसे करे, कैसे फैलाएगा वो, दैट इज़ गोइंग टू बी थ्रू मीडिया. मीडिया इज़ लाइक अ मिरर टू द वर्ल्ड विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रू एंड हार्श रियालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. मीडिया क्या है, मिरर है वर्ल्ड के लिए. सपोज कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है या कोई डिज़ास्टर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशनल इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंट्री, तो पीपल हैव अ राइट टू नो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो दैट विल बी डिसमिनेटेड विद, दैट विल बी ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड और गिवन टू, पुट फॉरवर्ड बिफोर यू थ्रू द मीडिया. The main purpose of the media is to provide the accurate news to all types of views in front of people. वही point है, उसका extension है. India is the biggest democracy market in the world of media. India सबसे ज़्यादा बड़ी democracy है, तो obviously media, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं तो media की obviously it will be necessary कि कैसे, क्योंकि since it is a democracy तो हर एक का एक इच्छा होती है, right to freedom of expression जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो मीडिया इज़ वन फॉर्म ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ योर आइडियाज़, योर थॉट प्रोसेसेस, एवरीथिंग. कैसे होगा, अनअकाउंटेबल मीडिया एंड अनअकाउंटेबल मीडिया. वेर एज दे कैन लिफ्ट द नेशन टू द हाइट्स बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू द नेशन. तो इट टॉक्स अबाउट मीडिया एज एन ओपिनियन बिल्डिंग फोर्स. कैसे आप मीडिया के अंदर जो शोकेस करते हैं आप, उससे लोग क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, उसके बेसिस के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है, अपने व्यूज़ फॉर्म करेंगे. तो अगर अकाउंटेबल मीडिया हो गया, प्रॉपर तरीके से फ्री रहेगा मीडिया, किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगा, एज इट इज़ चीज़ों को पोर्ट्रे करेगा, तो ऑब्वियसली इट कैन गिव अस बेटर सजेशंस और वेज एज टू हाउ वी कैन इम्प्रूव फ्रॉम द प्रॉब्लम्स विच वी माइट बी फेसिंग इन आर कंट्री. या फिर अनअकाउंटेबल मीडिया होगा, ठीक है, कंट्रोल्ड होगा, फ्री मीडिया नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि देर विल बी प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स होंगे, कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं किसी कंट्री के बेसिस में, उनका प्रॉपर एड्रेसल नहीं हो पाएगा. फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री टू ऑपरेट इट्स सिस्टम टू इट्स फुल पोटेंशियल, द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इज़ इम्पेरेटिव. पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. दैट सक्सेसिवली नीड्स सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मास नंबर ऑफ पीपल, सो दिस इज़ कॉल्ड मास मीडिया. तो हमने देखा ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं. इन पॉइंट्स को आप बेसिकली जॉट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन आपको अवेलेबल होगी कि मेरे को इन पॉइंट्स के ऊपर एक्सपैंड करना है. रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब इंडियन डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो रोल ऑफ मीडिया क्या है, मीडिया का डेमोक्रेसी के अंदर रोल क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वॉच डॉग एंड रिपोर्टर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, वॉच डॉग भी है और रिपोर्टर भी है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट कोई
अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है, इब्राहिम लिंकन ने कहा था शायद। तो इसके अंदर क्या कहती है गवर्नमेंट, मीडिया गवर्नमेंट की मॉरल प्रैक्टिसेस और गुड प्रैक्टिसेस दोनों को कंट्रोल में रखने का काम कर सकता है। कैसे, कोई अगर कहीं पे गवर्नमेंट अगर ऐसा लगता है कि जो चीज़ नेशन के लिए या स्टेट के लिए डिज़ायरेबल नहीं है और वैसी प्रैक्टिसेस हो रही है, तो ऑब्वियसली मीडिया कैन डिसमिनेट दैट, लोगों को जागरूक कर सकता है कि भाई ऐसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल द होल कश्मीर इशू, जो भी वहाँ पर हुआ, गलत हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ नॉट द सब्सटेंस ऑफ दिस ऐसे पर्टिकुलरली हेयर, बट मीडिया उसे कैसे पोर्ट्रे करता है, कैसे रिपोर्ट करता है, सो दैट इज़ गोइंग टू चेंज द होल व्यू ऑफ द होल डेमोक्रेसी। सेकेंडली एक्सपोजर ऑफ लूप होल्स इन अ डेमोक्रेसी फॉर रिजॉल्विंग देम, इम्पॉर्टेंट है। क्या लूप होल्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल द होल कॉमनवेल्थ गेम स्कैम या कोई भी आदर्श सोसाइटी स्कैम, ठीक है, रफाइल डील, जो भी है, कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई हैं डेमोक्रेसी की वर्किंग के अंदर, तो उन लूप होल्स को वो एक्सपोज करने का काम करता है कि हाँ यहाँ पर काम ठीक से नहीं हो रहा। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, मीडिया हमारी उसके अंदर लाएगा, नॉर्मल मासेस के अटेंशन में वो चीज़ें लाएगा, तो ऑब्वियसली विल बी वर्किंग मोर टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, तो लूप होल्स को एक्सपोज करने के काम आता है। फिर आपका आता है ओपिनियन बिल्डिंग और ब्रेकिंग फोर्स, ओपिनियन कैसे बिल्ड होगा। ये गलती से मैंने थर्ड को फोर्थ कर दिया, बट पॉइंट्स हैं, आप बेसिकली यू कैन मेक योर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू 1, 2, 3, 4। तो थर्डली क्या है, ओपिनियन बिल्डिंग और ब्रेकिंग फोर्स, ओपिनियन कैसे बिल्ड होगा और ओपिनियन कैसे ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को मीडिया पेटर्नाइज कर रहा है, किसी को बहुत ही अच्छे व्यूज़ में दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली एक बार बंदा सोचता है, इंसान सोचता है कि हाँ प्रॉबेबली क्या पता इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे किसी भी इंसान को। फॉर एग्जांपल द होल सुशील कुमार केस, रेसलर जो हैं उनका, पहले कैसे ओलंपिक्स के टाइम पे मीडिया ने उनको दिखाया कि हाँ ही ब्रॉट द गोल्ड मेडल फॉर आर कंट्री रेसलिंग के अंदर, बट अब रिसेंटली जो अब वो मर्डर केस के अंदर फंस गए हैं, तो कैसे ओपिनियन चेंज होता है, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू मीडिया, क्योंकि पर्सनली मोस्ट ऑफ अस डोंट नो सुशील कुमार, ठीक है, कैसे हैं वो, बट वी कैन फॉर्म ओपिनियंस बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्टिंग्स और मीडिया क्लिपिंग्स विच आर शोन टू अस। शेपिंग द डेमोक्रेसी बाई टॉकिंग अबाउट सोशल इशूज लाइक चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक, री मैरिज, अवेयरनेस की बात करी गई है, डेमोक्रेसी के अंदर अवेयरनेस फैलाता है मीडिया, कैसे, जो सोशल इविल प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज है, अब किसी चीज़ के ऊपर बात ही नहीं होगी, किसी चीज़ को बात करी नहीं जाएगी, उससे दूर भागा जाएगा, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिजॉल्व इट, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है, तो मीडिया वैसा वाला काम भी करता है। शेपिंग द डेमोक्रेसी बाई टॉकिंग अबाउट सोशल इशूज़, किसी चीज़ के ऊपर बात करोगे तो ही वो चीज़ ठीक होगी, तो दैट इज़ अनदर पॉइंट। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ एंड थाट्स, हमने पहले भी पढ़ा कि कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ कैसे होगा, मीडिया के थ्रू होगा। अब जैसे मैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या है कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ किसके थ्रू हो रहा है, मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। लास्टली करप्शन कर्बिंग फोर्स, मीडिया करप्शन को सामने लेके आएगा, फॉर एग्जांपल तहलका और कोबरा पोस्ट के जो हमारे स्टिंग ऑपरेशंस जो हुए थे, तो दैट इज़ अनदर वे इन विच मीडिया कैन ब्रिंग अबाउट करप्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन वेरियस रंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको कर्ब करने के लिए किसी को फोरफ्रंट में लेके जाओगे तो ऑब्वियसली उसको स्टॉप करने का काम करता है मीडिया। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, अगर प्रॉब्लम्स पे आए तो प्रॉब्लम्स के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स थ्रू अ पर्टिकुलर मॉडल विच इज़ नोन एज द प्रोपेगेंडा मॉडल, जो 1988 में नोआम चॉम्स्की, ही इज़ अ लिंग्विस्ट एंड लॉ की भी इन्होंने बात करी है, इन्होंने और एडवर्ड हरमन ने अपनी बुक लिखी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया। उनका फर्स्ट चैप्टर जो बात करता है वो प्रोपेगेंडा मॉडल की बात करता है। सो दे बेसिकली से कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज स्टेज्ड। वो कैसे होगा, वो इन पांच चीज़ों के, पांच जो स्टेप्स दे रखे हैं आपके, फाइनेंशियल ओनरशिप, फंडिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट, रिलायंस ऑन पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, फ्लैक, एंटी कम्युनिज्म एंड फियर, इन चीज़ों के थ्रू
एक फिल्टर्ड न्यूज़ हमारे को आती है, तो उस चीज़ की हम बात करेंगे कि कैसे वो होता है। अब इन्होंने शो करा है यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा अपने थ्योरी के अंदर कि रॉ न्यूज़ है, स्टार्टिंग के अंदर रॉ न्यूज़ है, जो एक्चुअल में न्यूज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो एक फिल्टर्ड प्रोसेस के थ्रू हमारे को आती है, और ये हम जो हम आते हैं, जो हमारे सामने आती है उसको हम देखते हैं अल्टीमेटली। तो वॉट इज़ कमिंग थ्रू दिस होल फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये चीज़ सही हो एग्जैक्टली या ना हो, इसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ आ जाती है। अब ये मीडिया मॉडल के बारे में उन्होंने क्या बोला, प्रोपेगेंडा मॉडल के बारे में, कि जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ फाइनेंशियल ओनरशिप, ठीक है, साइज ओनरशिप एंड प्रॉफिट ओरिएंटेशन। इन्होंने अपना जो थ्योरी दी वो बेसिकली पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज़ के बाद जो ब्रिटेन के अंदर मीडिया डेवलपमेंट हुआ उसके बेसिस पे उन्होंने अमेरिकन मॉडल के अंदर दी, विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू द इंडियन मॉडल ऑल्सो। इन्होंने क्या बोला कि वेल्दी एलिट्स कंट्रोल मेजर मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स एंड न्यू एंट्रेंट्स फेस ह्यूज कॉस्ट। मेजरली जो मीडिया के हाउसेस हैं वो बहुत ही पावरफुल और प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ओनरशिप, जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनके पास ये है मीडिया के जो हाउसेज हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ सन टीवी जो है, विच इज़ ओन्ड बाय कलानिधि मारन। कलानिधि मारन कौन है, ग्रैंड निफ्यू है अपने करुणा निधि जो सीएम थे उनके। सेकेंड फिल्टर क्या कहता है, रेवेन्यू डिपेंडेंसी। किसी भी मीडिया हाउस को चलाने के लिए आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मीडिया इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, जो अपने आप से पैसा नहीं मिलेगा उनको, तो एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइज़ करेंगे कुछ किसी चीज़ को तो ही उनको पैसा मिल पाएगा। तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन एडवर्टाइजर्स बायसेस न्यूज़ टुवर्ड्स कंज्यूमर कल्चर एंड वेल्थ आइडलाइजेशन। तो किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करोगे आप, बार बार उस चीज़ को दिखाओगे, तो ऑब्वियसली आपका जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी मोल्ड हो जाएगा। थर्ड है सोर्सिंग, एलीट इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपर्ट्स सब्सिडाइज द न्यूज़ विद ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रिज्यूम टू बी एक्यूरेट। इसमें क्या बोलते हैं कि मीडिया हाउसेज के साथ एक पर्सनल रिलेशंस हो गया है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को पता है कि मुझे ये चीज़ दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट नोज कि इस चीज़ ये चीज़ मैं मेरे को मीडिया में फीड क्या करना है। तो ये होता है सोर्सेज, यू नो व्हाट न्यूज़ टू सोर्स, ठीक है। तो मीडिया के अपने अपने जो एजेंट्स हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशंस हैं उनके गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट को भी पता है कि ये न्यूज़ हमारे को दिखानी है, तो वही सोर्स वो न्यूज़ मीडिया को करेंगे, वही चीज़ वो दिखाएंगे मीडिया के सामने। फोर्थ इज़ फ्लैग एंड इन्फोर्सर्स। इसमें हमने बात करी है विसल ब्लोअर्स की, या फिर जो चीज़ पावरफुल लोग नहीं दिखाना चाहते, तो बाय चांस कोई ऐसा दिखा देता, फॉर एग्जांपल विसल ब्लोअर्स हैं, ठीक है, एग्जैक्ट न्यूज़ एज इट इज़ फिल्टर्ड तरीके से नहीं दिखाई, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या किसी भी पावरफुल बॉडी को लगा कि नहीं दिस इज़ डिट्रीमेंटल टू माई सेल्फ, तो देर विल बी फ्लैग। फ्लैग यानी कि किसी को दबाना, धमकाना। विसल ब्लोअर्स के साथ क्या होता है, देश से निकल के चले जाते हैं, एडवर्ड स्नोडन को ले लो एग्जाम्पल, तो उनको उनके अगेंस्ट केस कर दिया, लॉ सूट्स लगा दिए, या फिर कई केसेस के अंदर उनको मार ही देते हैं। तो दिस इज़ द फोर्थ फिल्टर। फिफ्थ फिल्टर इज़ योर आइडियोलॉजी। मीडिया को हमेशा पोर्ट्रे करना पड़ता है एक कॉमन एनिमी होना चाहिए जिसके अगेंस्ट आप न्यूज़ दिखाएंगे, जिसमें भी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने मॉडल के अंदर दिया एंटी कम्युनिज्म, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट कंट्री, यूएस इज़ ए कैपिटलिस्ट कंट्री, तो एंटी कम्युनिज्म का इन्होंने फिफ्थ फिल्टर बनाया कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजीज हैं वो सारी दैट आर ऑल बैड। तो इंडिया के केस में भी ये मॉडल इक्वली इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं वो हम आगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आई होप ये आपको समझ आया हो, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं आप, इसके अंदर पूछ सकते हैं, मैं इसको और दोबारा से क्लियर कर दूंगा कॉमेंट्स के अंदर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोपेगेंडा मॉडल टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, जो प्रोपेगेंडा मॉडल हमने पहले पढ़ा फर्स्ट इससे पहले वाली स्लाइड में, तो इंडिया में भी वो एप्लीकेबल है। तो हमने इंडिया की मीडिया का अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो वी कैन डिवाइडेड प्रिडोमिनेटली टू टू पार्ट्स, प्री लिबरलाइजेशन एरा दैट इज़ बिफोर 1991 एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा दैट इज़ पोस्ट 1991। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 1991 से पहले प्रिडोमिनेटली मीडिया वॉज गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती थी, वी हैड चैनल्स लाइक DD1 DD2 इफ यू रिमेंबर, दूरदर्शन, ठीक है। बट पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा के अंदर क्या हुआ, अब आपने देखा केबल टीवी के आने के वजह से
मोस्ट ऑफ दीज चैनल्स आर प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है, जो हाइएस्ट मीडिया, जो बिगेस्ट मीडिया एजेंसी है कंट्री की, दैट इज़ ओन्ड बाय रिलायंस विच इज़ अ प्राइवेट प्लेयर, ठीक है. सेकेंडली एडुकेशनल नेचर के थे जो भी हम प्रोग्राम्स जो बात करते थे जो गवर्नमेंट ओन्ड थी, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग के अंदर काम आ रही थी वो चीज़ें. कृषि दर्शन है फॉर एग्जांपल, एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर ये प्रोग्राम था. कृषि दर्शन की बात करें तो वो प्रॉपर तरीके से बताते थे कि कैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो उस टाइम पे आ रही थी उसको कैसे अवेयर करें, फार्मर्स को कैसे लगें, फार्मर्स को कैसे अवेयर करें. सेकेंड, जो फर्स्ट सोप ऑपरा जो हमारा था दैट वॉज हम लोग, ठीक है, तो इट बेसिकली टॉक्ट अबाउट एडुकेटिंग पीपल इन द फैमिली प्लानिंग रिजीम कि कैसे अपनी फैमिलीज को प्लान कर सकते हैं आप. तो ये सारे एडुकेशनल नेचर के थे. बट दिस हैज शिफ्टेड इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा टू एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट. अब क्या है कि बेसिकली रादर दैन एडुकेशनल पर्पजेस ज़्यादातर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड हो गई हैं, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट, दैट इज़ इंफोटेनमेंट. नए नए प्रोग्राम्स आने लगे हैं, कॉमेडी की चीज़ें हैं, तो जो एडुकेशनल नेचर था दैट हैज़ बीन किसी को बोलेंगे और ज़्यादा उसको वास्ट कर दिया गया है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को क्रिस्प तरीके से और एंटरटेनिंग वे से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है पोस्ट 1991 एरा के अंदर. थर्ड पॉइंट इज मोल्डिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर बेटर एग्रेरियन फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस. मोल्डिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन मैटर्स ऑफ नेशनलिज्म. अब हम इसका एग्जांपल ले तो ऑब्वियसली इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है, मोल्डिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन कैसे होता है. फॉर एग्जांपल कोविड चल रहा था, ठीक है, कोविड के टाइम पे व्हाट हैपेंड, वी सॉ दैट कोविड के चलते चलते व्हेन द इलेक्शंस अबाउट इलेक्शंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर एग्जांपल बंगाल केम इन टू बींग, कहीं ना कहीं वी सॉ अ डिक्लाइन इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ न्यूज़ पर्टेनिंग टू कोविड एंड समहाउ द इलेक्शन न्यूज़ वर हाईलाइटेड. तो दैट इज़ हाउ पब्लिक ओपिनियन कैन बी मोल्डेड थ्रू मीडिया. कहीं ना कहीं वॉचर्स को, व्यूअर्स को लगा कि हाँ कोविड कम हो गया एंड द होल मैटर वॉज ट्रांसफर टू द इलेक्शन प्रोसेस. फिफ्थली लो एडवर्टिजमेंट्स, और इसके अंदर है ट्रिमेंडलेसली इंक्रीज एडवर्टिजमेंट्स. अगर आप देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मैंने बताया कि आपको फाइव फिल्टर्स का टेस्ट जो है, फर्स्टली मोस्ट ऑफ दीज मीडिया हाउसेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स जो कि बहुत ही मेजरली फिल दे रिच हैं. सेकेंडली, सेकेंड आपका जो फिल्टर था दैट वॉज वॉट, अगर हम देखें तो फंडिंग थ्रू एडवर्टिजमेंट, ठीक है, तो इंक्रीज एडवर्टिजमेंट्स हमने देखा यहाँ पर. थर्डली हम देखें तो रिलायंस ऑन पर्सनल रिलेशंस. पर्सनल रिलेशंस का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो दिखाएंगे कि गवर्नमेंट कई बार वही चीज़ें दिखाती है जो उनको हमारे को दिखानी चाहिए, जो कि होता भी है. तो एक ये बैड पॉइंट, ये सारे बैड पॉइंट्स हैं, कैसे प्रॉब्लम्स हैं मीडिया के अंदर. फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ्लैक का हम एग्जांपल लें तो तहलका पोस्ट जो हुआ था, तहलका कोबरा पोस्ट, जो तहलका के जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे, तो उनमें बताया था कि कैसे नेशनलिज्म के जो चीज़ें थी प्रमोट करने के लिए लोग पैसे लेने को, ब्राइब्स लेने को तैयार हो गए थे. लेटर ऑन इट वॉज सीन कि उन चीज़ों को फेक न्यूज़ बोल दिया गया. तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है वो फेक न्यूज़ ना हो, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ पॉसिबल है. तो दैट इज़ फ्लैक. टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ फिल्टर जो कहता है एंटी कम्युनिज्म एंड फियर. तो इसके अंदर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएँ तो कहीं ना कहीं द होल तबलीगी जमात इंसिडेंट विच हैपन्ड माइट बी राइट माइट बी रॉन्ग, बट द होल पिक्चर विच वॉज बींग क्रिएटेड एट दैट टाइम कि कैसे रिलीजियस डिवाइड को हमने इंक्रीज़ कर दिया ओवर दीज ईयर्स, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ कहीं ना कहीं मीडिया इस चीज़ को ढंग से पोर्ट्रे कर सकता था बट नहीं किया गया. तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं, तो प्रोपेगेंडा मॉडल है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी अप्लाई होता है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी एड्रेस प्रॉपरली इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट हाउ द मीडिया कैन डिसमिनेट इट्स न्यूज़. तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने ऐसे में लिखेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो कंक्लूड करने के लिए क्या कहते हैं कि नो डाउट मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी सच बिग एज इंडिया, बट स्टिल इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस दैट इट इज़ फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इज़ ऑफन रिग्ड विद सर्टन इश्यूज विच नीड रिफॉर्म्स. तो ये आई होप प्रेजेंटेशन आपको समझ आई होगी. कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, नीचे कमेंट कर देना. थैंक यू, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.